ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनाव जारी है और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। झुंझुनू, रामगढ़, खींवसर में भी मतदान जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलूम्बर, चौरासी, दौसा में मतदान जारी है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। देवली, उनियारा में भी आज मतदान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आज 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। साथ ही आपको बता दें कि सिताई, मेदिनीपुर, नैहाटी में मतदान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हरोआ, मदारीहाट, तरडांगरा में भी मतदान जारी है। उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। साथ ही बिहार की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज में आज मतदान हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। असम की बात की जाए तो वहां पर 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। धुलाई, सिदली, बोंगाईगांव में मतदान जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बेहाली, सामगुरु में भी आज मतदान हो रहे हैं। बता दें कि 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि चन्नपटना, शिगगांव, संगूर में आज मतदान जारी है। केवल में चिलकरा सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। और सिक्किम में भी 2 सीटों पर आज उपचुनाव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नामची, सिदथांग में मतदान जारी है। साथ ही दूसरी सीट की अगर बात करें तो सोरेंग, चाकुंग में भी आज उपचुनाव हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। गुजरात में भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात की वाप सीट पर आज मतदान हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मेघालय के गांबेगवे में विधानसभा उपचुनाव है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2 सीटों पर आज विधानसभा उपचुनाव है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बुधनी और विजयपुर सीट पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 2 सीटों पर आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव है, जिसके लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि रायपुर शहर दक्षिण सीट पर मतदान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। पहले चरण की 43 सीटों पर आज झारखंड में मतदान हो रहे हैं। वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा के बीच में ये सीधा मुकाबला आज देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के राम निवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के बीच में मुकाबला है। और बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल के बीच में सीधा जो दंगल है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सिताई, मेदिनीपुर, नौहाटी में भी आज मतदान जारी है। हरोआ, मदारीहाट, तरडांगरा में भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट यानी कि वायनाड में उपचुनाव है। और साथ ही आपको बता दें कि आज झारखंड में पहले चरण का मतदान है। 43 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है।